हेलो गाइस। तो जैसा कि इंडियन नेवी ने अभी एक दो दिन पहले ही आप लोगों के लिए जारी किया एडमिट कार्ड डेट और साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम डेट। अब इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स थे जो कि कैंडिडेट्स के थे और बहुत ज़्यादा वो लोग पूछ रहे थे, और ये कन्फ्यूज़न वाली चीज़ है जो हो गई है, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्वेश्चन पेपर किस तरीके से सेट होता है और क्या होता है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है, यानी कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई कन्फ्यूज़न में गलती हो जाती है तो ये बहुत गलत है, और इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इसको पूरा देखिएगा आप लोग, लास्ट तक सब कुछ क्लियर होने वाला है। चलिए वेबसाइट पर हैं हम, और जो दिया गया है सबसे पहले वो चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको। व्हाट्स न्यू में अगर आप आते हैं तो आईनेट ऑफिसर्स शेड्यूल ऑन 15 सितंबर 19 एंड आईनेट फॉर AASSR MR फ्रॉम 16 to 21 सितंबर 2019, ये दिया गया है डिटेल। मतलब कि जो ऑफिसर्स का होगा वो 15 सितंबर को होगा, और जो AASSR MR के लिए होगा वो 16 से 21 सितंबर के बीच में होगा। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ तो यहीं पे क्लियर करता हूँ, जो ये आईनेट है इसके लिए बहुत ज़्यादा आईनेट 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 बहुत सारा आप लोगों ने कर रखा है। तो आईनेट का सिंपल सा मतलब होता है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट इसके। हाँ, तो अब यहाँ पे जो आईनेट है यानी कि आईनेट ऑफिसर, तो इसके लिए क्लियर कर लीजिए आप इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आईनेट रखा गया इसका नाम, ठीक है। पहले नहीं होता था तो इसलिए बहुत सारे लोगों को नया लग रहा है। अब यहाँ पे चीजें दी गई हैं, उसको एक बार हम एडमिट कार्ड वाली भी देख लेते हैं जो लिखी हुई है चीज वो। तो गाइज ये एडमिट कार्ड के लिए जो नोटिफिकेशन था वो दिया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड डेट्स आईनेट ऑफिसर्स 8 से 15 सितंबर, और AASSR के लिए जो है 9 से 18 सितंबर, और आपका AMR के लिए 12 से 21 सितंबर। ये डेट दी गई हैं किस चीज़ के लिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, यानी कि इन डेट्स में आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। अब इसके लिए थोड़ा सा हो गया कि नहीं एग्ज़ाम नहीं होगा, ये हो गया, ऐसे कैसे डेट दी जा सकती हैं, और ये सब चीज़ें जो कि आप लोगों के मन में भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं। जितने डाउट्स आपके मन में होते हैं अगर आप वो ध्यान दो पढ़ाई पे तो वो ज़्यादा फायदा करेगा आपके लिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 8 से 15 सितंबर दिया गया ऑफिसर के लिए। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा कि मान लो कि आपका एग्ज़ाम 15 सितंबर को है, ठीक है, आपका ऑफिसर वाला ही एग्ज़ाम है और इसका एंट्रेंस टेस्ट है, और आपको याद आया अचानक से 15 तारीख को जब आप एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने वाले हैं उससे पहले कहीं पर, कि आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड ही नहीं निकाला है, ठीक है, आप निकल गए सब कुछ कर लिए और आपने निकाला नहीं है, तो आप क्या करोगे उस दिन? तो उस चीज़ को, उस पार्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी क्या करती है कि जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन तक आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से आराम से। तो इस चीज़ के लिए इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इसमें क्या अलग है और कौन सी चीज़ है जो अलग आपको लग रही थी। तो इसीलिए दिया गया सेम चीज़ AASSR के साथ है, 9 से 18, यानी कि लास्ट एग्जाम जो होगा AASSR और AA का वो 18 तक होगा। तो 18 तक इसका डेट दिया गया है, यानी 1 वीक इगो तो उन्होंने बोला था कि 1 सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो सेम अगर 9 से देखते हैं तो 16 से आपका एग्जाम स्टार्ट है, 9 तारीख को आप वो एडमिट कार्ड जारी कर रहे हैं, यानी कि आपका 7 दिन पहले। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कौन सी दिक्कत है, 7 दिन पहले जारी कर रहे हैं और लास्ट दिन वो ख़त्म कर देंगे वहां से, लास्ट दिन के बाद आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे एडमिट कार्ड। उसके बाद आपका अभी भी बाकी रहेगा, 21 तक चलेगा, यानी AMR का लास्ट एग्जाम के दिन तक आप डाउनलोड कर सकते हो AMR का एडमिट कार्ड। तो सभी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हैं, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे कि आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत हो, कुछ नहीं सोचना है, बस आप तैयारी में लगे रहो और डट के तैयारी करो, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस आपको इधर उधर कुछ चीज़ें ऐसी बता दी जाती हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे अपनी टॉपिक पे। हाँ दोस्तों, एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको नोटिफाई तो किया जाएगा ईमेल आईडी पे, लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी नोटिफिकेशन बाद में आता है, तो उसके लिए बिल्कुल भी अपने आप को जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, आपको सिंपली आके लॉगिन करना है। लॉगिन नहीं होगा उस दिन मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको वेट करना है, मैं वीडियोस बनाऊंगा ही या और भी वीडियोस आपको देखने के मिल जाएंगी, तो उसके लिए घबराना नहीं है, आराम से आपको डाउनलोड करना है और सबका डाउनलोड होगा, इसीलिए तो उन्होंने इतना लंबा टाइम दिया है कि सब लोग आराम से भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। अच्छा, तो हमने एडमिट कार्ड के बारे में बात कर लिया, एग्जाम के बारे में बात कर लिया, अब हमारा क्या है मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर।
देखिए गाइस क्या होता है, जब आपका पूरा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो वो चीज़ें एक प्रॉपर वे में होती हैं, बहुत कम लोगों को पता होती हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी होती हैं कि कब नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, कंफर्म नहीं पता होती है, वो बात अलग है। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर आपका होता है वो बहुत ही कम लोगों को, जो इंडियन नेवी में अपर लेवल पे होते हैं उन ऑफिसर्स को ही पता होती हैं ये सब चीज़ें। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि लीक हो या फिर कुछ भी हो, क्योंकि ये हमारे डिफेंस के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारी तैयारियां ऐसी होती हैं कि कभी ऐसा हो नहीं सकता है। और अब तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो क्वेश्चन पेपर पहले से ही आपका सेट हो चुका होगा, जो भी होना होगा या फिर अब हो रहा होगा। अब ये चीज़ें किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि आप अपनी तैयारी पर ज़्यादा ध्यान दो और उसके अकॉर्डिंग चलो। और वैसे भी जो मैंने पढ़ाया है ना, उसी टाइप के क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी है कि कहीं और से पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होगा वहीं से तो आपको पूछा जाएगा। हाँ, ये कन्फर्म नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो ये तो कन्फर्म होना भी नहीं चाहिए आपके एग्जाम के लिए, फिर तो आप पढ़ोगे ही नहीं। अगर किसी को पता चल जाए, सपोज कि किसी को पता चल जाए कि मुझे वहीं से क्वेश्चन मिलेगा, तो फिर वो पढ़ेगा क्या? वो लड़का पढ़ेगा ही नहीं कभी, वो बस सोचेगा हाँ वहीं से मुझे मिल जाएगा, वहीं से जाके कर लूंगा। ये बहुत ही गलत चीज़ है, ये हार्मफुल है हमारे लिए और बाकी लोगों के लिए भी, क्योंकि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि एक कंपटीशन हो, एक टफ लेवल पे कंपटीशन हो, जिससे कि सभी को मौका मिल सके आगे आने का और सभी को अपना जो है दिखाने का मौका मिल सके कि हाँ उनके अंदर कितना दम है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को अभी ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मेडिकल, फिजिकल और इन सब चीज़ों के बारे में। वो चीज़ें जब होंगी तो हम देख लेंगे, मैं बता दूंगा उन सब चीज़ों के बारे में। अभी आपका बस एक ही मोटिव होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ताकि आप मेरिट लिस्ट तक जा सको। क्योंकि आप सिर्फ अगर इस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो कि मुझे एग्ज़ाम में पास होना है, तो ये बहुत गलत है, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। इससे बचो और आप कोशिश करो कि आप अच्छा से अच्छा नंबर, अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर सको। और जैसे भी होता है, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले, उस चीज़ को कभी भी मत छोड़ो। भले ही आप उस इंसान को पसंद नहीं करते हो, लेकिन उसकी बातों को अगर आप पसंद करते हो, तो उस चीज़ को कभी मत छोड़ो, क्योंकि नॉलेज जितना हो सके उसको गेन करना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, ये नहीं देखना चाहिए कि क्या है और कैसे है, बस अगर हमें नॉलेज मिल रही है तो उसको रख लेना है और अच्छे से रख लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ें रखनी है और बाकी डिमोटिवेटेड नहीं होना है, किसी की बातों को नहीं सुनना है। बस जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो तो बिल्कुल सही होती हैं, आपको पता ही है, ऐसा नहीं होता है कि ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ फालतू की बातें। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी किसी के बात में नहीं आना है, किसी चीज़ को सोचना नहीं है ज़्यादा, बस अपने दिमाग का प्रयोग करना है और अच्छे से अपना स्कोर करना है। अब जितना भी मेहनत हो सके, जितना भी आप कर सको वो करो, मैं तो कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ आपको भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो ये सब चीज़ें थी और ये सब क्लियर करना था। और हाँ, कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि जैसे कि एक प्रॉपर लेवल से एक लेवल हो जाता है, जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि आपका 10th लेवल का एग्ज़ाम है, लेकिन हो सकता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो पिछले बार से हाई आ रहा है। देखो दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी एग्ज़ाम में थोड़ा टफ क्वेश्चन पेपर आ जाता है। कैसे? मान लो कि आपका 28 सब चीज़ें हैं और इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें जो होंगी वो बाद में हम देख लेंगे और इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। बाकी अगर आप सैंपल पेपर देखना चाहते हो, उसको करना चाहते हो, तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी, और साथ ही साथ अगर आप उसका सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो वो भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी। देखिए एक बार मैं बता भी देता हूँ, तो गाइस आपको वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद ये जो है यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आना है ये कैरियर्स एंड जॉब में। यहाँ पे आने के बाद बीकॉम में सेलर पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैट्रिक रिक्रूट, SSR, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस सब है, तो मैं मैट्रिक रिक्रूट पे जाऊँगा क्लिक करके। यहाँ पे क्लिक करा मैंने, अब सीधे नीचे आना, इसके बारे में डिटेल्स दी गई हैं तो इससे हमें मतलब नहीं है, हम नीचे आएंगे और देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई हैं और उसके नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन सिलेबस और सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप सिलेबस पे क्लिक करते हैं तो ये सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा अभी आपका डाउनलोड, और डाउनलोड होकर दिख जाएगा आपको, तो ये आपका सिलेबस हो गया। ठीक है, अब हम सैंपल पेपर को देख लेते हैं एक बार ऐसे ही डाउनलोड करके। देखिए यहाँ पे नीचे सैंपल पेपर दिया गया है, तो यहाँ पे सैंपल पेपर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। सैंपल पेपर भी डाउनलोड हो चुका है और आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। वो थोड़ा सा ऑफलाइन है, तो यहाँ पे जो टाइम है वो अभी 45 मिनट्स है, लेकिन यहाँ पे अब आप 30 मिनट्स लेके चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये सेक्शन ए में जैसा कि होता है साइंस और अर्थमेटिक, और सेक्शन बी में जो आपका होता है जनरल अवेयरनेस, वो भी दिखा देता हूँ मैं नीचे चल के। देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो है आपका नीचे आ गया, मैं 25 क्वेश्चन आपको देखने के मिल जाएंगे जनरल अवेयरनेस के लिए। देखिए ये सेक्शन
बी यानी कि खंड ख है, इसमें आपको जनरल अवेयरनेस के सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब डिटेल्स हैं, यही सब कुछ आपको बताना था। और अब आप बिल्कुल भी भटकिए मत, बिल्कुल जो चीज़ें हैं उनको सही तरीके से करिए, सही नॉलेज के साथ में करिए। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे फटाक से पूछिए। कहाँ पे पूछना है, आप इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप कमेंट देखते हो, कोई मैं नहीं देख पाता हूँ, अगर आपने देखा, आपको पता है उसके बारे में, तो आप उस बंदे की ज़रूर मदद करो। इससे क्या होगा, हमारी फैमिली है वो और अच्छे तरीके से डेवलप होगी, जो कि स्टडी विद अभी से एक फैमिली है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो अपने साथ, ताकि हम जल्दी से जल्दी एक बड़ी फैमिली का निर्माण कर सकें। तो बस ये चीज़ें हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में यही सब बताना था, तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। साथ ही साथ अगर आप ई बुक लेना चाहते हो इंडियन नेवी के लिए, साइंस, जनरल अवेयरनेस और साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके जरूर चेक कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। धन्यवाद, जय हिंद।